टीवी पर चल रही न्यूज पर नजर पड़ते ही अंकिता के होश उड़ गए और उसने तुरंत ही मयंक को हॉल में बुला लिया। दोनों मिलकर न्यूज देखने लगे। अंकिता के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने अपने सास ससुर को तीर्थ यात्रा पर भेजा था और उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया था। पैसेंजर की लिस्ट में उसके सास ससुर का भी नाम था। अभी वो लोग सोच रहे थे कि आगे क्या करें, तभी अंकिता की ननद ने दंदनाते हुए घर में प्रवेश किया। वो इसी शहर में रहती थी तो कभी भी मायके आ जाती थी। घर पहुंचते ही उसने अंकिता पर इल्जाम लगाते हुए कहना शुरू कर दिया, भाभी आपने जानबूझकर अम्मा बाबू जी को तीर्थ यात्रा पर भेजा था ना, ताकि उन्हें कुछ हो जाए और सारी संपत्ति पर आप राज करें, क्योंकि आपको पता है कि उन इलाकों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आप कितनी लालची हैं, यह मुझे समझ में आ गया है। अब देखिए उनकी बस खाई में गिर गई है और वो लोग पता नहीं अब जीवित बच पाएंगे या नहीं। और मम्मी पापा के जाने के बाद वैसे भी मैं यहाँ ज्यादा आने वाली नहीं हूँ, तो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अपनी ननद की बातें सुनकर अंकिता हैरान रह गई और सोचने लगी कि मम्मी पापा के बारे में ऐसी खबर पता चली है और इन्हें जायदाद की ही पड़ी है। तभी अंकिता के पति मयंक ने अपनी बहन को एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा कि लालच तुम्हारी भाभी को है या तुम्हें है? तुम्हारी भाभी हमेशा मम्मी पापा का ध्यान रखती है, उनकी खुशियों की परवाह करती है, और तुम हो कि मम्मी पापा के बारे में ऐसी खबर सुनते ही जायदाद की बात करने चली आई। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। अभी तो हमें मम्मी पापा के बारे में पता करना चाहिए था, उनकी मदद के लिए वहां जाना चाहिए था, और तुम हो कि जायदाद के बंटवारे की बात लेकर बैठ गई। अब निकल इस घर से, हम अभी मम्मी पापा के पास जा रहे हैं। भाई से थप्पड़ पड़ते ही वह गुस्से में बौखलाते हुए कहने लगी, मम्मी पापा के साथ अनहोनी हो गई तो तुम्हारे रंग भी बदल गए ना। मुझे पहले से ही पता था कि तुम लोग मुझे कुछ नहीं दोगे, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अंकिता मयंक के साथ घटनास्थल पर पहुंची तो वहां जाकर उन लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि बचाव दल ने उनके माता पिता को बचा लिया था। वह लोग घायल थे और अस्पताल में एडमिट थे। मयंक और अंकिता माता पिता की सेवा में जुट गए। एक महीने के बाद उनके माता पिता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और वह लोग घर वापस आ गए थे। इस एक महीने के दौरान उनकी बेटी उनसे मिलने के लिए एक बार भी नहीं आई, लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचे तो वह रोते बिलखते घर पहुंच गई और कहने लगी, माँ बाबूजी कैसे हैं आप लोग? तो उसकी माँ ने गुस्से में मुंह फेर लिया और उसके पिताजी कहने लगे कि मुझे मयंक ने बताया कि तुम दुर्घटना की खबर मिलते ही जायदाद में हिस्सा लेने आई थी, तो बेटा तुम्हें तो जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। वैसे भी तुम्हारी शादी में मैंने बहुत खर्च कर दिया है और तुम्हारी बेटी के नाम पर मैंने FD भी करवा रखी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी लालची हो कि हमारे दुर्घटना की खबर सुनकर तुम सीधे जायदाद में हिस्सा मांगने ही आ जाओगी। इसलिए आज के बाद से तुम अपना मायका खत्म ही समझो, तुम्हें अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने जीवन में लालची संतान नहीं चाहिए। अब अंकिता की ननद का चेहरा उतर गया था और उसके पास सिर झुकाकर वहां से चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ कि वह इतनी लालची निकली, लेकिन उन्हें सुकून बस इस बात का ही था कि मयंक और अंकिता उनके लिए उनके पास हर हाल में मौजूद थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए लाइफ टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।